तो अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो और आपके पास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है तो आपके लिए हमने कोर्स डिजाइन किए हुए हैं जो कि बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए, बीए जनरल के लिए, साथ ही साथ एमए इकोनॉमिक्स के लिए बनाए हुए हैं, जो कि आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। वहां पर आपको वीडियो कोर्स के साथ साथ आपको जो नोट्स है वो भी मिलेंगे जो कि इग्नू के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर भी हमने सॉल्व कराए हुए हैं, तो ये सब कुछ आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप बच्चों को एक नया टॉपिक कराने वाला हूं जो है रिटर्न टू स्केल। टॉपिक का नाम हम बता रहे हैं आप बच्चों को, जिसको हम बोलते हैं रिटर्न टू स्केल। देखिए रिटर्न टू स्केल क्या होता है पहले हम वो समझ लेते हैं। मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं और एक अलग पेज हमने ले लिया है। देखिए हमारा एक होता है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन की हम बात करते हैं बच्चों, लॉन्ग रन में हमारे पास में इतनी कैपेसिटी होती है कि हम लेबर को भी बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ कैपिटल को भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि दो ही फैक्टर हैं। तो जो लेबर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएबल फैक्टर को और जो कैपिटल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फिक्स फैक्टर को। तो मान लीजिए एक लेबर पर आप यूज़ कर रहे हो और एक मशीन यूज़ कर रहे हो, या मान लीजिए दो लेबर यूज़ कर रहे हो एक मशीन पर। अब इसका जो रेशो है, प्रपोर्शन है, रेशो वो कितना है, वो है 2:1। लेबर और कैपिटल का जो रेशियो है वो 2:1 है। अगर मान लीजिए लेबर जो है वो 4 हो जाए तो कैपिटल भी 2 हो जाएगा। लेबर अगर 8 हो जाए तो कैपिटल 4 हो जाएगा। लेबर अगर 16 हो जाए तो कैपिटल 8 हो जाएगा। कोई और भी संख्या आप रख सकते हो, 3-6 भी रख सकते हो, लेकिन इसका जो रेशियो है रेशियो कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, बिल्कुल कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। तो इससे प्रोडक्शन पर जो असर पड़ता है उसको हम बोलते हैं रिटर्न टू स्केल। यानी कि रिटर्न टू स्केल का क्या मतलब हुआ कि जब आप लेबर को और कैपिटल को सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर रहे हो, सेम प्रोपोर्शन का क्या मतलब हुआ, इक्वल प्रोपोर्शन में जब आप इंक्रीज कर रहे हो तो आप देखोगे कि आपके प्रोडक्शन पर कोई ना कोई असर इसका देखने को मिलेगा। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि क्या असर देखने को मिलेगा, लेकिन देखने को तो मिलेगा। अब आपके टीपी मान लीजिए हम ऐसे मान लेते हैं, पहले 100 था, 220 हो गया, 440 हो गया और 800 हो गया। इसका मतलब ये जो प्रोडक्शन पे असर हुआ है इसी को हम बोलते हैं रिटर्न टू स्केल। तो देखिए यहां पे जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि अ लॉन्ग रन फर्म हैव सफिशिएंट टाइम टू इंक्रीज ऑल इनपुट टू इंक्रीज दी प्रोडक्शन व्हेन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर आर इंक्रीज इन सेम प्रोपोर्शन। यहां पे सेम प्रोपोर्शन आप जरूर याद रखिएगा। Of output it is called return to scale. In long run there are 3 possibilities. देखिए 3 possibility है, उसके बारे में मैं आपको यहीं पे समझा देता हूं। देखिए ये मैं छोटा कर लेता हूं। देखिए पहली possibility क्या है, number 1 कि आपने लेबर को और कैपिटल को दुगना कर दिया, डबल कर दिया, 100% आपका लेबर और कैपिटल बढ़ा, 100% इनपुट बढ़ा, यानी कि इनपुट 100% बढ़ा। हम ये सिंपल मान लेते हैं, हम 50% भी मान सकते हैं, हम 30% भी मान सकते हैं, हम 10% भी मान सकते हैं, लेकिन हम सिंपल मान लेते हैं कि इनपुट जो है वो डबल हो गया। तो 3 पॉसिबिलिटी है, number 1 कि जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाए मोर देन 100%, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपका जो आउटपुट है वो इंक्रीज करेगा इक्वल टू 100%, एक पॉसिबिलिटी ये भी है बच्चों। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपका जो आउटपुट है वो इंक्रीज करेगा लेस देन 100%। और तो कोई संभावना बनती नहीं है। अगर आप इनपुट को बढ़ाते हो 100% से तो आपका आउटपुट हो सकता है 100% इंक्रीज कर जाए, हो सकता है कि 100% से कम इंक्रीज करे, हो सकता है 100% के बराबर इंक्रीज करे। तीनों ही पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। अब मान लीजिए कि आपका जो आउटपुट है, मतलब आपने क्या किया, इनपुट को 100% बढ़ाया और आउटपुट आपका मोर देन 100% बढ़ा, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का क्या मतलब है कि आपने इनपुट के 100% बढ़ने से आपका जो आउटपुट है वो 100% से ज्यादा बढ़ गया, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल।
आपने इनपुट को 100% बढ़ाया और आपका आउटपुट भी 100% बढ़ा, इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल। तीसरी कंडीशन ये पॉसिबल है कि आपने आउटपुट को 100% बढ़ाया और जो इनपुट बढ़ा वो 100% से कम बढ़ा, यानी कि आपकी इस कंडीशन में क्या हुआ है कि आउटपुट बढ़ा है 100% और इनपुट बढ़ा है 100% से कम, यानी कि इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न, सॉरी डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। तो तीन बेसिस बच्चों हमने आपको बताया, अब तीनों बेसिस के ऊपर हम आपको एक टेबल और डायग्राम के थ्रू समझाते हैं और आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नंबर वन इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के बारे में। तो जैसा कि हम यहां पे मान रहे हैं कि मान लीजिए कैपिटल हमारी एक है और लेबर उस पर काम कर रहे हैं दो, और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो टोटल प्रोडक्शन है वो 100 का हो रहा है, लेबर टू हो गई, सॉरी कैपिटल टू हो गई, लेबर फोर हो गया, इसका मतलब जो इनपुट राइज किया है वो डबल हुआ है इनपुट, या आप कह सकते हो 100% इंक्रीज हुआ है, और आपका आउटपुट जो है वो 220 हो गया, इसका मतलब इसे कह सकते हो आपके ये वाला जो आउटपुट इंक्रीज हुआ है ये हुआ है 120%। जैसा कि आप देख पा रहे हो बच्चों, इनपुट 100% बढ़ने से आउटपुट 120% हो गया, इसका मतलब ये वाली जो स्टेज है इसे कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। जैसा कि यहां पे स्टेज है ये वाली स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू बताएं तो दो तरीके से डायग्राम बना सकते हैं। पहला, यहां पे हम लिख देते हैं परसेंटेज चेंज इन आउटपुट, और यहां पे लिख देते हैं, या यहां पे सॉरी इनपुट कर देते हैं इनपुट, और यहां लिख देते हैं परसेंटेज चेंज इन आउटपुट। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों कि इनपुट चेंज होने के मुकाबले आउटपुट में ज्यादा चेंज हुआ है, यानी कि इनपुट कम चेंज हुआ है आउटपुट ज्यादा चेंज हुआ है, इसकी वजह से जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, सिंपल शब्दों में बात समझ में आ गई होगी मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि आपका जो इनपुट बढ़ा है वो कम बढ़ा है और आउटपुट जो चेंज हुआ है वो ज्यादा चेंज हुआ है। कई बार इसको प्रोडक्शन आइसोक्वेंट के कर्व के थ्रू भी दिखाया जाता है। आइसोक्वेंट कर्व बच्चों अगर आपने नहीं सीखा तो आप एक बार देख लीजिएगा, यूट्यूब पे मेरी वीडियो भी है और आने वाले वक्त में मैं आपको ये कोर्स में भी ऐड कर दूंगा। मान लीजिए ये हमारा एक IQ का लेवल है जो हमारा है IQ1, जो कि 200 प्रोडक्शन को दिखा रहा है, या चलिए 100% प्रोडक्शन को दिखा रहा है, एक मिनट इसको 100 लिख लेते हैं, 100 प्रोडक्शन को दिखा रहा है। अब सेम दूरी पर एक और प्रोडक्शन कर्व है जो कि आपको आर्टिफिशियल है, जो कि 200 को दिखा रहा है, लेकिन आपका जो प्रोडक्शन है वो यहां ना होके एक्चुअल वाला जो है वो इस जगह आया 220 पे, एक्चुअल वाला जो आया वो ये वाला आया 220 पे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अगर हम एक जोड़ देते, उसको बोलते बच्चों एक्सपेंशन पाथ, विस्तार पथ। लेकिन बेसिकली आपको याद रखना है कि आपका जो प्रोडक्शन है वो इस तरीके से इंक्रीज किया है। अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की, देखिए कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल भी समझ लेते हैं सिंपल तरीके से। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, देखिए सिंपल शब्दों में कहें तो मान लीजिए आपके पास में कैपिटल थी एक, फिर आपने दो कर दी, लेबर थे दो, आपने चार कर दिए, प्रोडक्शन जो है वो पहले 100 था अब 200 हो गया, यानी कि जिस प्रपोर्शन में आपने फैक्टर इंक्रीज किए 100% है और आउटपुट भी, जो इनपुट इंक्रीज हुआ है वो भी 100% है, आउटपुट भी 100% है, यानी कि आप कह सकते हो कि अगर इनपुट में 100% का इंक्रीमेंट होता है तो आउटपुट में भी 100% का इंक्रीमेंट होगा, या आप कह सकते हो कि अगर इनपुट डबल हो जाता है तो आउटपुट भी डबल हो जाएगा। डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं बच्चों,
जैसा कि मैंने आपको बताया, दो तरीके से आप डायग्राम दिखा सकते हो। एक तो टीपी सिंपल दिखा दो, यहां पे हम लिख लेते हैं परसेंटेज चेंज इन इनपुट, और यहां पे लिख लेते हैं परसेंटेज चेंज इन आउटपुट। तो ये देखिए, यहां पे हमारा जो डायग्राम बनेगा वो बिल्कुल सीधा बनेगा, क्योंकि दोनों में ही सेम इंक्रीमेंट हुआ है। ये आपका टीपी का डायग्राम हो गया। अगर आप इसी डायग्राम को दिखाना चाहोगे आइसोकॉइंट कर्व के थ्रू, यहां पे हम ले लेते हैं लेबर, और यहां पे ले लेते हैं कैपिटल। तो ये मान लीजिए हमारा है 200 का प्रोडक्शन का लेवल है, या 100 प्रोडक्शन लेवल है। ये मान लीजिए 200 का प्रोडक्शन लेवल है। तो जो एक्सेल डायग्राम बनेगा वो यही वाला बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस पे एक पॉइंट जोड़ देते हैं, देखिए यहां पे हमने ग्राफ भी बनाए हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो प्रोडक्शन का जो लेवल है, यानी कि एक दो लेबर और एक कैपिटल में, आप पहले 100 शर्ट बना रहे थे, अब आप 4 लेबर में और 2 मशीन में 220 शर्ट बना रहे हो। इसी तरीके से यहां पे भी ले लेते हैं कि पहले आप 2 लेबर में और 1 कैपिटल में 100 शर्ट बना रहे थे, अब आप 4 लेबर में और 2 मशीन में आप 220 शर्ट बना रहे हो। ये इसका मतलब है। सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं। तीसरी कंडीशन के बारे में भी हम ले लेते हैं, साथ ही साथ आपको समझाते थे, उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि लेबर आपका मान लो एक है, कैपिटल आपका मान लो सॉरी लेबर आपका मान लीजिए कैपिटल आपका एक है, लेबर दो है, कैपिटल दो हो गई, लेबर चार हो गया, आपका जो प्रोडक्शन है वो 100 से घटकर 180 हो गया। इसका मतलब होना चाहिए था 100 से 200 अगर कांस्टेंट रहना था, लेकिन हुआ एक 80। इसका मतलब यहां पे आप देख रहे हो 100% का इंक्रीमेंट हुआ है, और यहां पे जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 80% का हुआ है। यानी कि जितना आपने फैक्टर को इंक्रीज किया, जितना आपने इनपुट को इंक्रीज किया, आपका आउटपुट अगर उससे कम इंक्रीज होता है तो इसको बोलेंगे रिटर्न टू स्केल। लेकिन ये कौन सा रिटर्न टू स्केल कहलाएगा, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल कहलाएगा। देखिए डायग्राम के थ्रू भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो दो तरीके के डायग्राम आप बना सकते हो बच्चों, दोनों ही तरीके के डायग्राम मैं इसमें बना लूंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें सिंपल टीपी के थ्रू, तो यहां पे लिख लेते हैं परसेंटेज चेंज इन इनपुट, यहां पे लिख लेंगे परसेंटेज चेंज इन आउटपुट, ठीक है। तो ये बता रहा है कि आपका आउटपुट कम चेंज होगा और इनपुट ज्यादा चेंज होगा। तो इस तरीके का आप स्लोप बना सकते हो बच्चों, ये आपका टीपी का डायग्राम बनेगा। लेकिन अगर आप इसी को आइसोकॉइंट के थ्रू बनाओगे, तो यहां पे लिखते हैं लेबर, यहां पे लिखते हैं कैपिटल, जो ये बता रहा है कि आपका ए पॉइंट बता रहा है कि आपका 2 लेबर और 1 कैपिटल आपकी 100 शर्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और 200 पहुंचने के लिए आपको इस लेवल पे आना पड़ेगा। लेकिन आप एग्जैक्टली इस लेवल पे नहीं पहुंच गए, बल्कि इस लेवल पे ही आप रह गए, जो कि 180 का लेवल है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि आपने क्या किया, 4 लेबर ने और 2 कैपिटल ने आपको केवल बी पॉइंट पे पहुंचाया। तो ये जो डायग्राम बनाया है हमने, ये बनाया है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल का। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आया होगा। देखिए इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल जो लागू होता है वो होता है क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल ज़्यादा होती हैं डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल से।
कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल तब लागू होता है जब इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बराबर होती है, सॉरी इकोनॉमीज ऑफ स्केल बराबर होती है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल से, और डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल तब लागू होता है जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल कम होती हैं डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल से। इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल के ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाने वाले हैं बच्चों। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।